हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी आवर्स व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना मुझे बालों में मेहंदी लगानी थी, बट मैं रात को मेहंदी भिगाना भूल गई, तो मैंने सुबह सुबह ही भिगाई। और सुबह 7 बजे मैंने सोक करी थी और मैंने 12-1 बजे लगाई है। 5-6 घंटे काफ़ी होते हैं। तो मैंने मेहंदी में डाला है थोड़ा हिबिस्कस पाउडर और आंवला पाउडर, और इसके बाद मैंने इसको चाय पत्ती का पानी बना के उसमें सोक कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर दो ताकि लम्स ना रहें। और उसके बाद मैं चली गई साइकिलिंग और थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए। और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, धूप आ रही है। उसके बाद आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हैं बेसन के चीले। पहले भी इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, बेसन के चीले स्टफ्ड पनीर के साथ। ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है और सबको पसंद भी है मेरे घर में। और आज ना बच्चों की छुट्टी है, सैटरडे है आज। वंशिका की तो छुट्टी नहीं थी, बट मैंने उसको भी नहीं भेजा। जीविका की हर सैटरडे को छुट्टी होती है। और हस्बैंड तो चले गए हैं ऑफिस, उनको भी मैंने बना के दे दिए थे सुबह बेसन के चीले। और अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो ये रेडी हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट भी, और बच्चों ने और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया जल्दी से। और धूप अच्छी आ रही थी तो मैंने फटाफट कपड़े सूखने के लिए डाल दिए और बाकी काम भी हो गए हैं मेरे। और अब बज रहा है 12, मैंने सोचा चलो मेहंदी लगा लूँ। 5-6 घंटे मेहंदी भीग गई है, काफ़ी है इतना। और मैंने बालों को अच्छी तरह सुलझा लिया और इसके बाद मैंने मेहंदी में ऐड की थोड़ी सी दही और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके स्मूथ पेस्ट बना लिया इसका। और फिर मैंने बालों को थोड़ा थोड़ा पार्ट में लेके अच्छी तरह से मेहंदी, आज मैं मेहंदी खुद ही लगा रही हूँ। वैसे मैं लगवा भी लेती हूँ कभी किसी से, बट कभी कोई फ्री नहीं हो तो फिर मैं खुद भी लगा लेती हूँ। मुझे खुद ही मेहंदी लगाना वैसे अच्छा लगता है, जब तक मैं अपने हाथ से मेहंदी ना लगाऊँ ना मुझे मज़ा ही नहीं आता। फिर मैंने छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में बालों में मेहंदी लगाई। सबसे पहले मैंने बीच में एक छोटा सा बन बना लिया और इस बन के चारों तरफ मैं अब छोटे छोटे पार्ट्स में मेहंदी लगा के बालों को इसके चारों तरफ अच्छी तरह से रैप करती रहूँगी। और मैं बालों को अच्छी तरह सुलझाते रहूँगी। बीच में मैंने सुलझाते सुलझाते मेहंदी लगाई है, तो फिर बाल ना बाद में उलझते नहीं है मेहंदी निकालते वक्त। और वॉश करने के बाद भी बाल अच्छे सुलझे सुलझे और कंफर्टेबल रहते हैं। और मेहंदी लगाने से ना बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो जाती हैं, जैसे हेयर फॉल। मेरा तो हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है काफ़ी मेहंदी की वजह से, क्योंकि शायद मेहंदी मुझे अच्छे सूट करती है। और आज मैंने हाथों में भी कुछ नहीं लगाया था, ना मैंने कोई ग्लव्स लगाए ना पॉलिथीन, तो मेरे हाथों का ना पूरा रंगीन हो जाना है। बट मेहंदी ना हाथ से ही अच्छी लगती है, पॉलिथीन वगैरह लगाने से वो सब बालों में फंसते हैं तो पेन भी होता है। फिर मैं ऐसे ही लगाना पसंद करती हूँ। तो अब मैंने पूरे बालों में अच्छी तरह से मेहंदी लगा ली है और कुछ इस तरह का हेयर स्टाइल बन गया है मेरा। मैंने ऊपर से भी बची हुई मेहंदी ना पूरा बालों में लगा ली अच्छी तरह से, और हाथ तो मेरे पूरे ऑरेंज हो गए हैं। जितना कलर हाथों में आया है ना उतना बालों में आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, ये देखो। और अब मुझे हो रहा है लेट लंच बनाने के लिए, और बच्चों की फरमाइश थी और हस्बैंड की भी फरमाइश है कि आज झोली बनाओ पकौड़े वाली। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया बहुत सुपर फास्ट स्पीड में, मैंने बेसन और दही को घोल दिया और साथ में मैंने पकौड़े बनाने के लिए भी मसाला बना दिया था प्याज व्याज कट करके। और मैंने सोचा एक साइड में झोली उमलने के लिए रख दूंगी साथ में और पकौड़े भी। और वंशिका बोलने लगी मम्मी थोड़ा ज़्यादा बनाओ पकौड़े, मुझे खाने का मन है। फिर मैंने थोड़ा सा और प्याज काट के बेसन और बढ़ा के कुछ ज़्यादा बनाया, क्योंकि ना काफ़ी लेट हो गया था, सिर्फ मेरे पास आधा घंटा बचा था खाना बनाने के लिए, 1-1.5 बजे लगभग। तो अब मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे झोली उमलने के लिए रख दी है, साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिया है और यहाँ पे मेरे बन रहे हैं पकौड़े साथ में। और जल्दीबाजी में भी ना कभी कभी खाना अच्छा बन जाता है। ऐसे मुझे जल्दीबाजी में खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बहुत रिलैक्स होके खाना बनाना चाहती हूँ। बट आज ना मेहंदी लगाने में थोड़ा सा लेट हो गया, आज बच्चे घर पर हैं ना तो सारा काम लेट हो जाता है फिर बच्चों के साथ। तो कुछ इस तरह से मैंने पकौड़े भी बना लिए हैं, साथ में मेरी झोली भी उमल गई थी। और फिर मैंने इसी कढ़ाई में झोली के लिए तड़का बनाया, थोड़ा मेथी दाना सरसों
और साबुत लाल मिर्च जीरा डाल के फिर थोड़ा सा कड़ी पत्ता और डाल दिया इसमें। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें कश्मीरी मिर्च। मुझे कश्मीरी मिर्च का टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर, तो मैं ज़्यादातर चीज़ों में यूज़ करती हूँ। फिर मैंने इसमें जो मैंने झोली उमा ली थी वो भी डाल दी है। और जल्दी जल्दी में ना मैं गैस बंद करना भूल गई, क्योंकि यहाँ पे ना वरना उबल के नीचे गिरने लगेगी झोली, तो इसलिए वहाँ पे गैस भी जल रही है मेरी। चलो, मुझे लग रहा था इस कढ़ाई में आएगी कि नहीं आएगी, बट आई गई है। जब हम ऐसे तड़का लगाते हैं ना तो उछल उछल के पूरा गिरने का डर लगता है, तो मैं बहुत आराम आराम से इसमें तड़का लगा रही हूँ। और ये लगभग उबल के रेडी है, तो अब मैं इसमें पकौड़े ऐड कर दूंगी। और मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी है और हस्बैंड के आने का भी टाइम हो गया है। ये मैंने सारे पकौड़े ऐड कर दिया, इसको थोड़ी सी देर मैंने फिर पकाया उसके बाद। और बस गैस की फ्लेम ऑफ करके मैंने ऐड कर दिया हरा धनिया। तो लंच है रेडी और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, हम सब ने लंच कर लिया है। और शाम को मौसम हो रहा था कुछ ऐसा, और अब मेरा मेहंदी धोने का भी टाइम हो गया था, तो मैंने 4-5 बजे के टाइम पे मेहंदी अच्छी तरह से वॉश कर ली थी। और मैं बैठी हूँ बालकोनी में बाल सुखाने के लिए। और आज मुझे मलाई से मक्खन निकालना था थोड़ा, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी। हफ्ता 10 दिन की मलाई है ये, पानी चल रहा था तो मैंने फिर अच्छी तरह से मिक्सी में सारा मलाई से मक्खन निकाल लिया। और इसको मैंने कढ़ाई में ही निकाल के अच्छी तरह से 3-4 बार पानी डाल के अच्छी तरह से वॉश कर लिया, नहीं तो फिर इसमें स्मेल आती है। क्योंकि ज़्यादा फ्रेश तो हम लोग बनाते नहीं, हफ्ता 10 दिन का मलाई रख के मक्खन निकालते हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है अगर अच्छी तरह से वॉश नहीं करेंगे तो। और ये पूरा साफ़ करने के बाद थोड़ा सा मक्खन मैंने निकाला लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए, और बाकी मक्खन को मैंने घी बना लिया। और शाम को मैं निकली थी थोड़ा सा वॉक करने के लिए, तो ये नारियल पानी के पास ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। फिर हम लोग आ गए वापस घर को। फिर मैंने पूजा के वक्त लड्डू गोपाल जी को मक्खन का भोग लगाया, मक्खन मिश्री का, जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर रात को होने लगी बारिश। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का दिन। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।